नमस्कार, विमला के किचन में आपका स्वागत है। सावन का महीना दोस्तों शुरू हो गया है। भोलेनाथ को चूरमे का भोग लगता ही है, क्यों ना हम नए अंदाज में चूरमा बनाएं, जिससे भगवान भी प्रसन्न रहे, घर वाले भी प्रसन्न रहे। आइए बनाते हैं हम आज मावा मेवा चूरमा। हमें चाहिए 1/4 बाउल देसी घी, लगभग 3 चम्मच और छोटे देसी घी के। 1 बाउल हमें चाहिए आटा गेहूं का, 1/2 बाउल पिसी शक्कर, थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता, 50 ग्राम खोया। आइए हम बनाते हैं मेवा मावा चूरमा। सबसे पहले हमने गैस ऑन करके फ्लेम लो से मीडियम रखी है। उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के हमें ड्राई फ्रूट भूनना है। ड्राई फ्रूट हमें इसलिए भूनना है ताकि इसकी नमी निकल जाए और ये खाने में क्रिस्पी लगे। अब इसको हमने प्लेट में डाल दिया है। हम भूनेंगे खोया। खोया भी हमें चलाते चलाते अच्छे से ब्राउन करना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो और ब्राउन हो जाए, अच्छा लगे। खोया भी हमारा ब्राउन हो गया है, इसको हम बाउल में उतारेंगे। अब हम गैस की लो से मीडियम रखेंगे और देसी घी में आटा भूनेंगे। हमने 3 चम्मच देसी घी लिया था, 1 चम्मच में हमने ड्राई फ्रूट भूना, जो 2 चम्मच हमारे थे उसमें हम आटा भूनेंगे। क्योंकि चूरमा है, चूरमा में ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चूरमा भी हमारा चलाते चलाते अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हाथ से हम जो खोया भूना था उसको हाथ से अच्छे से मैश करेंगे और चूरमा में डालेंगे। दोनों चीज़ें हमारी ब्राउन अच्छे से हो गई हैं, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाते चलाते इनको हल्का ठंडा भी करेंगे। अब मिलाएंगे इसमें हम ड्राई फ्रूट, ताकि ड्राई फ्रूट हमारा इसमें नम ना रहे, क्रिस्पीपन रहे ड्राई फ्रूट में। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ड्राई फ्रूट डाल के चूरमा को। अब इसमें डालेंगे पिसी हुई शक्कर। थोड़ा चूरमा ठंडा हो जाता है तभी पिसी हुई शक्कर मिलाते हैं। अगर पहले मिला लेंगे तो शक्कर में गठाने पड़ जाएंगे, क्योंकि चूरमा बहुत गर्म होता है, इसलिए हल्का सा ठंडा करके इसमें पिसी हुई शक्कर बाद में मिलानी चाहिए। आप चाहें तो इसमें 50 ग्राम पताशे भी पीस के डाल सकते हैं। लीजिए, तैयार है हमारा मेवा मावा चूरमा। भगवानों को भोग लगाइए, आप भी खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।